नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र डांगी और इस समय पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंद्री विधानसभा के गढ़पुर टापू गांव पर, जहां पर आज ईद उल फितर के इस शुभ अवसर पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी ईदगाह पर नमाज पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे को गले मिलकर भाईचारे का जो ये त्यौहार है इसको बढ़ावा देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ही समय में सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे और मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे। यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है प्रेम और सौहार्द का प्रतीक ईद उल फितर का जो त्यौहार है मुस्लिम समुदाय के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और उसी की जानकारी के लिए कैसे ये त्यौहार मनाया जाता है उसी की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में जो सरपंच है गढ़पुर टापू से, जो सरपंच है उनके निवास स्थान पर आज हम लोग पहुंचे हैं। HGN 24 पर इस समय पर आप तस्वीरें देख रहे हैं इंद्री विधानसभा के गढ़पुर टापू गांव से, जहां पर जो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है, उनके द्वारा आज ईद उल फितर का जो त्यौहार है उसके मौके पर यहाँ पर जो है सभी जो रिश्तेदार है, मित्र प्यारे हैं, साथी है, वो यहाँ पर आज ईद की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। इस शुभ अवसर पर यहाँ पर जो आसपास के जो उनके साथी है वो यहाँ पर ईद की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। तो खबर को देखते ही शेयर करिएगा, इस समय पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। HGN 24 के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये त्यौहार कब से कब तक शुरू होता है, और इसकी पूरी जानकारी देने के लिए बातचीत करेंगे। शुरू कर क्या कहना चाहोगे, ईद का जो त्यौहार आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, आपके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए भाई साहब, ये ना जो त्यौहार है भाईचारे का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। अब नहीं करनी उनसे रुक जाना, तो उसके बाद 30 दिन के बाद फिर अल्लाह जो है एक इनाम ईद के रूप में एक इनाम देते हैं। ये इनाम है मुसलमानों की तरफ, ये खुशी का त्यौहार है। इसमें सबके सब शरीक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से हो, सबके लिए है। सभी पहुंचे हैं, हाँ सभी देख सकते हो, सारा भाईचारा इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। मेरा इंतजार मोहम्मद, तो आप देख सकते हैं आज ईद के मौके पर जो है गांव गढ़पुर टापू से जो सरपंच हैं, जो प्रतिनिधि है, वो यहाँ पर अपना ईद उल फितर के इस शुभ मौके पर जो उनके साथी हैं, मित्रगण है, वो उनको यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे। और आप देख सकते हैं ठंडी ठंडी मीठी खीर और साथ में फ्रूट्स के साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ऐसी ही तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं इंद्री विधानसभा के गढ़पुर टापू गांव से। कुछ दिन पहले यहां पर दावत इफ्तार का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जहां पर आप विधायक पहुंचे थे इंद्री से, और जो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से जो विधायक रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, और बड़ी धूमधाम से यहाँ पर दावत इफ्तार किया गया था। उसी को जानकारी को देते हुए आज ईद के शुभ अवसर पर जो यहाँ के सरपंच हैं, प्रतिनिधि, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहोगे आज यहाँ पर जो आपके मित्र सभी भाइयों को, मेरा ईद की तरफ से शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को, और मैं सभी भाइयों से ये अपील करना चाहूंगा और अमन शांति के साथ सब भाई को रहना चाहिए। ना मुसलमान बुरा ना हिंदू बुरा, जो झगड़ा करवाता है वो शैतान का बच्चा पूरा पूरा। मैं सभी भाई नंदी रोशन जी, असलम नंदी जी, और इंद्रजीत जी, और शमशेर जी जो हमारे ब्लॉक के प्रधान जी हैं, और रुताज जी, और ये सब भी हमारे पास ईद पे आए हैं, मैं इनका मोस्ट वेलकम स्वागतम, और मैं सभी से भाईचारे की अपील करता हूँ और सदा ऐसे ही चलता रहे हमारा। जी क्या कहना चाहेंगे आज आपके दोस्त यहाँ पर पहुंचे हुए? मैं बहुत खुशी हो रही है, और मैं इन सभी साथियों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मैं सभी से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत अच्छी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, और वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो सिचुएशन, वो स्थिति आप देख सकते हैं। सभी धर्मों के लोग, सभी साथी मित्रगण यहाँ पर एक साथ ईद का त्यौहार मनाते नजर आ रहे हैं, और हम भी गुजारिश करते हैं HGN 24 के माध्यम से कि जो भाईचारा है उसको हमेशा बढ़ावा देते रहे, और अपना कोई भी त्यौहार हो, चाहे हिंदू को चाहे मुस्लिम को, इस प्रकार से बड़े अच्छे ढंग से, बड़े प्रेम प्यार से मनाना सीखे, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी बात है। इंसान अगर जन्म लिया है पृथ्वी पर तो इंसानियत सबसे ऊपर होती है, तो भगवान भी कहते हैं, तो इंसान का धर्म सबसे पहले होता है। तो आप देख सकते हैं बड़े अच्छे अच्छे पकवान यहाँ पर लगाए गए हैं, और जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। मैं तो एक ये जो हमारे सरपंच साहब है गढ़पुर टापू से अनुसाद जी, मैं तो उनको ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ, और जो भाईचारा यहाँ पर बढ़ा रहे अपने इंद्री ब्लॉक में, ऐसे हमारा भाईचारा बढ़ता रहे,
ये तो अलग अलग धर्म है, इसमें अलग अलग धर्मों में अलग लोग लोग होते हैं जो जातिवाद बढ़ाते हैं, वो कुछ ही लोग होते हैं जो जातिवाद बढ़ाते हैं, हम इनसे बहुत ऊपर हैं। तो हम तो सरपंच साहब को यही शुभकामना देंगे, आप भाईचारे कैसे बढ़ाते रहे और आज अच्छे अच्छे पकवान बने हैं यहाँ पर, अलग अलग जो जितने भाई हम यहाँ बैठे हमारे पास तो सारे तो खा ही नहीं गए, अलग अलग इतने पकवान बने हैं, आपने भी खाए आपने भी देखे हुए जी, ठीक है नहीं। हम तो यही मिसाल देना चाहते हैं तो भाईचारा ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसी कोई भी त्यौहार आए कोई भी ऐसा, चाहे हिंदू का आए चाहे मुस्लिम का आए चाहे सिख का आए, हम तो ये ऐसा ही हमारा एक परिवार बनता रहे, कोई आपस में धर्म विरोधी कोई ना हो। ये तो कुछ लोग होते हैं जो धर्म विरोधी बढ़ाते हो ऐसे होता हो ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम तो बड़े प्यार से बड़े उल्लास से आज ईद उल फितर को मनाने के लिए गढ़पुर टापू में पहुंचे हैं और बहुत भाईचारे से हमारे साथ भाई साहब इंद्रजीत जी बैठे हैं, रोशन लाल नंबरदार जी बैठे हैं नंदी से, और हमारे रोहतास जी रीता सिंह से, तो ऐसे हमारा भाईचारा बढ़ता रहा। तो आगे आने टाइम में तो इससे तो हम जातिवाद से बहुत ऊपर चले जाएंगे, जातिवाद वाला कोई सिस्टम नहीं रहेगा हमारे बीच में आने वाले दिनों में। हम ये संदेश देना चाहते हैं, उठो सभी लोग जात पात छोड़ के अपना भाईचारा बना के रखो, भाईचारे में एकता। मैं अपना इंद्री ब्लॉक से एसोसिएशन प्रधान सरपंच शमशेर सिंह बुढ़नपुर खालसा, मैं सभी को भाइयों को सरपंच साहब को ईद उल फितर की बधाई देने के लिए आए हैं यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा जी आपके पास यहाँ आके, और खाना तो आपने देख ही लिया कितना अच्छा है, यही कहना चाहेंगे। अपना परिचय एक बार, मैं राजीव बुढ़नपुर खालसा और सरपंच साहब अपने बड़े भाई हैं जी प्रधान जी, हम इकट्ठे आए। क्या कहना चाहोगे? सत श्री अकाल जी, सलाम वालेकुम, राम राम सभी देशवासियों को, ईद उल फितर की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को आपस में ये त्यौहार सभी को आपस में मिलके बैठने का और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। मैं दोबारा फिर से सभी को इसकी मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। मेरा शुभ नाम इंद्रजीत सिंह, मैं थाना इंद्री से हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हरियाणा ग्रामीण न्यूज के तहत सभी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मुबारकबाद। इस ईद के मौके पर हमने क्या नाम ले रहे हैं, शांति बनाए रखने के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी को अपने मित्र को दावत दे रखी थी, इससे भाईचारा बढ़े और इन सभी ने हमारे गांव में और मेरे घर पे आने का सभी का शुक्रिया धन्यवाद तहे दिल से। एक बार फिर सभी लोगों का यहाँ पर आने पर धन्यवाद। मेरा नाम नौशाद नंबरदार, गाँव गुरपुटा, जो आज ईद के मौके पर यहाँ पर आपके रिश्तेदार मित्र प्यारे सब यहाँ पर पहुँचे। मैं रोशनदीन नंबरदार, नंबरदार एसोसिएशन वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंद्री। मैं आज ईद का त्यौहार मनाया गया है सारे भारतवर्ष में, बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है ईद उल फितर। और त्यौहार चाहे कोई भी हो वो आपस में भाईचारा और प्यार का प्रतीक होता है। तो ईद उल फितर में आपस में भाईचारा कायम रहे, कुरीतियाँ दूर हों, ये इस बात का प्रतीक देता है त्यौहार कि हमें बुराइयों को छोड़ देना चाहिए और आपस में प्यार बनाए रखना चाहिए। यानी दहेज प्रथा, नशा प्रथा सब छोड़ देनी चाहिए, हमें इन पर अंकुश लगाना चाहिए और ये कसम खानी चाहिए त्यौहार के दिन कि हम अपने देश से कुरीतियों को मिटा देंगे। तो मुझे इस बात का बड़ी खुशी है और गर्व है कि आज ईद उल फितर पूरे भारतवर्ष में बड़ी खुशी से मनाई गई और आपस में भाईचारा पूरा कायम हुआ। और इसी बात से मैं आने वाली पीढ़ियों को और नस्लों को ये कहना चाहता हूँ कि आपस में भारत में भाईचारा कायम रहे और सभी त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते रहें।